गाजियाबाद में धन परिवर्तन कर वसीम रिजवी बने जितेंद्र नारायण सिंह। हिंदू धर्म ग्रहण कर वसीम रिजवी बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, कहा सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करूंगा। सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने धर्म परिवर्तन करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी ने आज सुबह 10 बजे हिंदू धर्म ग्रहण किया। वह वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने वसीम रिजवी को पूरे रीति रिवाज से सनातन धर्म ग्रहण करवाया। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा, आज से वह सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने अभी हाल ही में अपनी वसीयत जारी करते हुए कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके शरीर का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए, ना कि दफनाया जाए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में रिजवी ने कहा कि उनका शव उनके हिंदू मित्र डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती को सौंप दिया जाना चाहिए, जो उनकी चिता को अग्नि दें। रिजवी ने हाल ही में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वसीम रिजवी ने कहा था कि मुसलमान मुझे मार देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश और देश के बाहर मेरी हत्या करने और गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है, मुझ पर इनाम रखे जा रहे हैं। मेरा गुनाह इतना है कि मैंने 26 आयतों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। जी, ये वसीम रिजवी जी का नया नाम क्या होगा? देखिए, वसीम रिजवी जी का नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आज तक जितने भी मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो मुस्लिम मौलाना उन्हें कंफ्यूज करने के लिए ये कहते थे कि आप किस जाति में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा रखा जाता था कि आपको ये हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है, आपको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो पहले ही हमने इसकी व्यवस्था की, हमने अपने त्यागी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे सहमति ली। वसीम रिजवी जी हमारे परिवार के, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिता के दो बेटे थे, एक ने संन्यास ले लिया और एक बेटा रह गया। अब फिर से मेरे पिता के दो बेटे हो गए हैं, एक मेरा भाई और एक वसीम रिजवी जी, जिनका अब से पहले नाम वसीम रिजवी था, अब इनका नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। एक मेरा सवाल है, अब वसीम रिजवी को किस नाम से जाना जाएगा? जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी के नाम से वसीम रिजवी जी को जाना जाएगा। क्या कारण रहा कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया, तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद, हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है, जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई में कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। जी, वसीम रिजवी ने आज अपना धर्म सनातन धर्म हो गए हैं, मुस्लिम धर्म छोड़ दिया उन्होंने, क्या कहेंगे इस बारे में? उनका बहुत बहुत स्वागत है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज ये एक ऐतिहासिक क्षण है, जहां इतने पढ़े लिखे और विद्वान मुसलमान ने उस गंदगी को, जिसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, पर मैं इसे कहता हूँ इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, उस गिरोह से रिश्ता छोड़कर वो सनातन धर्म की ओर आए हैं, अपने मूल धर्म की ओर आए हैं। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नया नाम क्या होगा वसीम जी? उनका नया नाम होगा जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। 6 दिसंबर ही क्यों चुना उन्होंने धर्म परिवर्तन? ये उनकी अपनी इच्छा है, मैं इसमें नहीं जानता, लेकिन उन्होंने वो कल आए और उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत स्वागत है, हमने सारी तैयारी कर दी और अब पूरे विधि विधान के साथ उनका संस्कार हो रहा है। क्या वजह मानते हैं, क्यों उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया? उन्होंने उस गंदगी को पहचान लिया ना, इस्लाम की गंदगी को पहचान ली। उनकी किताब पढ़िए, मोहम्मद, मोहम्मद किताब जो वसीम रिजवी ने लिखी है, उस किताब को पढ़िए। उस किताब को आपको पता चलेगा कि कितना अध्ययन उन्होंने, कितना डीप उन्होंने अध्ययन जो है इस्लाम का किया है।
उस किताब को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह की गंदगी इस्लाम है, किस तरह की गंदगी मोहम्मद है। अब आप मथुरा